दोस्तों अस्सलाम वालेकुम ब्रो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसी दिन बात करने वाले हैं एक्टिवा के स्टार्टिंग ट्रेवल के बारे में। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो जैसे कि आपने दोस्तों वीडियो में देखा कि हमारी गाड़ी देखिए दब रही है, तो सबसे पहले हमने इसका कार्बोरेटर खोला। जबकि ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जेट जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम होती है हमारी गाड़ी। पेट्रोल नहीं मिलता हमारी गाड़ी को, तभी भी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और दबकर वो बंद पड़ जाएगी, या आपका प्लग अगर शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभार चालू होती है गाड़ी, बट आपकी गाड़ी बहुत स्टार्टिंग ट्रबल देती है और बंद पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। ये देखिए, ये जेट जो है, जो मेन जेट और पायलट जेट दोनों आपको अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। दोनों जेट साफ़ करने के बाद में आपको कार्बोरेटर को अच्छे से साफ़ कर लेना है, और कार्बोरेटर जब आपका अच्छे से साफ़ हो जाए तो आपको इसे अच्छे से फिट कर देना है दोस्तों, और प्रॉपर तरीके से इसे चेक कर लीजिए कि साफ़ हुआ है कि नहीं। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि कैसे साफ़ होता है, ये तो बहुत बारीक बारीक होल है इसमें। तो आप टायर के तार जो निकलते हैं, टायर में से तार निकलते हैं बारीक बारीक, जब आपका टायर अगर फट जाता है और उसमें से जब वो जो तार होता है उसकी मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता दोस्तों, और ना वो सड़ता है जल्दी। तो उसकी मदद से आप इसे साफ़ कर लीजिए, और इसके जो ये जेट है आप उसमें पेट्रोल अच्छे से मार कर इसे चेक कर लीजिए कि प्रॉपर तरीके से साफ़ हो चुका है कि नहीं। आपके पास में एयर का, अगर एयर का बंदोबस्त है तो आप एयर मारकर इसे क्लीन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। आपको पहले कार्बोरेटर साफ़ कर लेना है और अपना प्लग चेक कर लेना है। अगर वो दोनों चीज़ें आप साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद में भी आपको स्टार्टिंग ट्रबल हो रहा है, तो आपको तीसरा चीज़ क्या चेक करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलता, मतलब कॉक से आपके पेट्रोल नहीं आता, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपकी गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा और आपकी गाड़ी दब जाए, दब के बंद होएगी। तो ये देखिए, जब हमने एयर के पाइप से पेट्रोल खींचा तो क्या हुआ कि पेट्रोल एयर के पाइप में से भी आ रहा था दोस्तों। जो हमारा एयर का पाइप है उसमें से भी पेट्रोल आ रहा था, और जो पेट्रोल वाला पाइप है उसमें से पेट्रोल नहीं आ रहा था। तो इसका जो पेट्रोल कॉक है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि इसका डायफ्रेम फट गया रहेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जब हम एयर के पाइप से सक्शन कर रहे हैं तो जो हमारा पेट्रोल का पाइप है उसमें से पेट्रोल नहीं आ रहा है, एयर के पाइप में से आ रहा है, तो वो डायरेक्टली इंजन में आपके चले जाएगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ में, या आपके एयर के पाइप से आप सक्शन करते हैं और पेट्रोल वाले पाइप से नहीं आता पेट्रोल, तो आपको कॉक को चेंज कर देना है। तो ये तीसरा रीज़न हो सकता है। देखिए, हमने फिर से खींचा तो फिर से एयर वाले पाइप में पेट्रोल आ रहा है, तो इसका डायफ्रेम फट गया है, जो हमारा कॉक होता है उसका डायफ्रेम फट गया है, तो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखिए, हमने इसका कॉक चेंज कर देंगे हम दोस्तों। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एयर पाइप होता है जो कि लंबा होता है, जो कि यहाँ पर लगा होता है, और पेट्रोल पाइप थोड़ा सा छोटा होता है जो कि हमारे कार्बोरेटर में लगा होता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जूना कॉक है, हमने पेट्रोल कॉक इसका चेंज कर दिया है, और अब इसे स्टार्ट करके देखेंगे कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती। और एक साथ में दो तीन प्रॉब्लम निकल आना तो आपको तकलीफ देता है। अगर आप कोई गाड़ी स्टार्ट करें और उसमें दो तीन प्रॉब्लम आ जाए और आप उसे चालू करें तो आपको बड़ी दिक्कत होती है उसे चालू करने में, और आपको ये लगता है कि कितना तकलीफ़ दे रही है और कैसे चालू होगी, क्या हो गया एग्जैक्टली इसमें, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने चालू किया बट फिर भी ये वैसे ही वही कंडीशन में है दोस्तों, और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो पेट्रोल कॉक तो इसका ख़राब था तो हमने उसे चेंज कर दिया, और देखिए हम इसका RPM एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये बंद पड़ जा रही है दोस्तों, क्योंकि इसको पेट्रोल जैसा नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है, और झटके जैसे ले रही है ये गाड़ी। तो इसमें पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसमें पेट्रोल तो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, बट इसमें एक दूसरा फंडा है, जो कि अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि करंट भी कभी कभार क्या होता है, वीक होता है, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा।
कि आपकी गाड़ी चालू होगी और फटाक से बंद पड़ जाएगी। तो ये देखिए गाड़ी में कुछ ऐसा ही हो रहा था कि चालू हो रही है गाड़ी, बट जैसे हम फुल एक्सेलेटर लेने जाते हैं ये बंद पड़ जा रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों। तो देखिए किक मार मार कर ऐसे ही ऐसी की तैसी हो गई है। और फिर भी देखिए कोशिश तो करते रहना है, अगर आप बीच में हार मान लेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर आप थक हार जाएंगे। तो ये बहरहाल नहीं चालू हुई। तो ये देखिए जो इसका कॉइल था वो भी हमने चेंज करके देखा, फिर भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही हो रही थी दोस्तों। तो ये देखिए जो वायर है ये बाटला कॉइल के ऊपर, आप इस पर गौर कीजिएगा, ये वायर जो है हमारा सीडीआई में डायरेक्ट जाता है, ये देखिए अर्थिंग का। तो ये जो अर्थिंग वाला वायर है दोस्तों ये यहाँ से देखिए यहाँ तक का है, हमारा जो चेसी है चेसी तक का है। और इसमें देखिए अभी आपको करंट दिखा देता हूँ मैं, और इसमें बहुत तेज़ करंट आ रहा था, बहुत तेज़ बोले तो बहुत फास्ट करंट चटची चटी ऐसा करके। आप अगर आप जानते हैं मैकेनिक है तो आप समझ सकते हैं, बट अगर आप मैकेनिक नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसा करंट आ रहा था। तो बहुत तेज़ आ रहा था और अभी तो बहरहाल इसमें आ ही नहीं रहा है क्योंकि इसका अर्थिंग का वायर लूज है, तो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, टूट गया था इसका अर्थिंग का वायर। तो ये देखिए अभी करंट नहीं आ रहा है, अब हम इसको लगा कर फिर देखते हैं कि करंट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसका बॉडी अर्थिंग जो मेन होता है वो तो लगा हुआ है, बट ये जो सी डी आई से आया हुआ है वो अर्थिंग नहीं लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था आई थिंक सो। तो देखते हैं ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पेट्रोल की वजह से भी होता है वैसे तो, और करंट की वजह से भी होता है, तो करंट का तो मसला है। ये देखिए आप नोटिस कीजिएगा जो इसका सिग्नल लाइट है, जब हमने उसका बॉडी अर्थिंग लगाया तब इसका सिग्नल लाइट प्रॉपर तरीके से काम करने लगा और बाकी चीज़ें भी अच्छे से काम करने लगी। तो ये देखिए इस सिग्नल लाइट पर आप गौर कीजिए, जब हम अर्थिंग को हटाते हैं तो इसकी सिग्नल लाइट भी चली जाती है दोस्तों। तो क्या ऐसा आपके साथ में भी हुआ है कभी? अगर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं लूज़ कर कर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो इसकी अर्थिंग है, ये देखिए अर्थिंग हिलाने पर जो आपकी लाइट है पूरी तरीके से देखिए नील बटा सन्नाटा हो गई है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी इसमें। तो इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम था दोस्तों, ये गाड़ी मिसिंग कर रही थी और दब रही थी गाड़ी, और आपने तो देखा ही शुरू में कि कैसे क्या हो रहा था इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा होता है दोस्तों तो आप अर्थिंग अपने बॉडी अर्थिंग और जो सी डी आई में अर्थिंग है उसको प्रॉपर तरीके से लगा कर देखें कि अगर आपके करंट वीक होता है तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, आपकी गाड़ी भूख से बंद पड़ जाएगी चालू होकर। और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेना है कार्बेटर में कचरा तो नहीं है, प्लग आपका शॉर्ट तो नहीं है, उसके बाद में आपको वायरिंग की तरफ जाना है दोस्तों। और वायरिंग आप पहले भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आमतौर पर कार्बेटर का प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ें कमी होती है, तो पहले आप कार्बेटर और प्लग चेक कर लीजिए, अगर वो चीज़ें बराबर हैं तो उसके बाद में आप वायरिंग चेक कीजिए। तो वायरिंग ऐसा आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अभी हम इसका आइडलिंग देखो स्लो कर दे रहे हैं, फिर भी ये गाड़ी बंद नहीं पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह टेक केयर, गुड बाय, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नगमे वफा के गाते रहिए और हमारे साथ यूं ही गुनगुनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे वापस। हाँ कहीं गए कहाँ गए जाओ नहीं गए कहीं गए।